नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीमेल पर ओटीपी नहीं आता है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ के आप भी जानना चाहते हैं कि जीमेल पर आईडी को लॉगिन करते हैं तब ओटीपी नहीं आता है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन बार को ओपन करना है। नोटिफिकेशन बार को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको चेक करना है कि अपने मोबाइल का डाटा बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर अपने मोबाइल का डाटा बराबर नहीं चल रहा है तो गाइस यहाँ पर आपको एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करना है। एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपने मोबाइल का डाटा बराबर चलने लग जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है जीमेल। जीमेल सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जीमेल एप्लीकेशन को अपडेट करना है। तो गाइस यहाँ पर आपको ओपन की जगह पर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको जीमेल एप्लीकेशन को अपडेट करना है। जीमेल एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद भी जीमेल एप्लीकेशन पर ओटीपी नहीं आता है तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से जीमेल एप्लीकेशन पर आईडी को लॉगिन करते हैं तब ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन हो चुकी है। और गाइस यहाँ पर आपको ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट में कई सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जीमेल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जीमेल एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जीमेल एप्लीकेशन पर आईडी को लॉगिन करते हैं तब ओटीपी नहीं आता है। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फोर्स स्टॉप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्लियर डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लियर डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जीमेल का ऑल डाटा क्लियर हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप जीमेल एप्लीकेशन का ऑल डाटा क्लियर करने के बाद जीमेल पर ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप जीमेल पर आईडी को लॉगिन करते हैं तब ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।